Hello everyone. In this video, we are going to discuss the topic International Management in the subject International Human Resource Management. And in this video, we are going to cover meaning and definition and the objectives of international management. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start discussing international management. What is international management? जैसे जैसे international business में growth हुई तो बहुत सारे नए concepts का जन्म हुआ international management में. International trade की जो old theories थी वो focus करती थी natural resources पे, और जो newer models हैं international management के वे focus करते हैं कि कैसे companies industries में competitive advantage को gain कर सकती हैं. तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस पर बेस्ड है, यह अंडरस्टैंड करने पर कि कैसे कस्टमर्स की नीड्स और वॉन्ट्स को समझा जा सकता है और उन नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स उनको डिलीवर किए जा सकते हैं, साथ ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ताकि गेन किया जा सके. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वह एट्रीब्यूट है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को के साथ कंपीट कर सकते हैं, उनको आउट परफॉर्म कर सकते हैं. यह वे फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गुड्स और सर्विसेज बेटर मैनर में और चीपली अपने कंपीटिटर्स अपने राइवल्स के कंपैरेटिवली चीपली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके द्वारा वह उनसे कंपीट कर सकते हैं. जैसे कि एक सिंगल बार्बी डोल जो कि 10 से ज़्यादा कंट्रीज में बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है यूएसए में, उसके जो पार्ट्स और क्लोथिंग्स हैं वह जापान, कोरिया, इटली और ताइवान में प्रोड्यूस किए जाते हैं, असेंबलिंग उसकी मैक्सिको में की जाती है एंड इट इज़ सोल्ड इन द डिफरेंट कंट्रीज. तो अ सिंगल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड एंड सोल्ड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज. So what is the meaning of international management? International management is defined as the process of practice in management techniques within an international environment. International management is the way of practicing the management techniques in the international environment. It is the management of international business operations for an organization that conducts business in more than one country. International management वह process है जिसके द्वारा मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लाया जाता है एक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, मींस इंटरनेशनल लेवल पर वह बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है. सिर्फ अपनी होम कंट्री में वह बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करती, उसके अलावा फॉरेन मार्केट्स में भी वह ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है. तो वहाँ पर हम कैसे मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करें, उसको कैसे अप्लाई किया जाए ताकि हम इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज कर सकें. तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट रिक्वायर्स द नॉलेज एंड स्किल अबव एंड बियॉन्ड द नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑफ द नेशंस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कस्टम्स एंड लॉज. तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट के लिए हमें वह नॉलेज और स्किल्स चाहिए जो कि किसी भी नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइज से ज़्यादा हैं, जिसमें उनको लोकल कस्टम्स और लॉज को समझना पड़ता है. इट प्रोवाइड्स द बिजनेस अ कैपेबिलिटी टू कंडक्ट ट्रांजेक्शंस दैट मे इन्वॉल्व मल्टीपल करेंसीज एज वेल. और यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वह कैपेबिलिटी वह योग्यता प्रदान करता है जिसके द्वारा वह डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पर मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व है अपनी ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सके. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट. सो हियर वी विल डिस्कस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर परफॉर्मिंग द इंटरनेशनल मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज टू अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स. बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना. जब डोमेस्टिक मार्केट हमें हायर रेट ऑफ प्रॉफिट प्रॉमिस नहीं करती, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस फर्म्स क्या सर्च करती हैं? वह उन फॉरेन मार्केट्स को सर्च करती हैं जहाँ पर वह ज़्यादा रेट से प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं. तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वह फर्म्स को अफेक्ट करता है और मोटिवेट करता है अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को फॉरेन मार्केट्स में एक्सपेंड करने के लिए. Expanding production capacities beyond demand of the domestic country. This is one of the objective of international management. Firms, जो भी domestic companies हैं वो अपने production capacities को expand करना चाहती हैं more than the demand for the product in domestic countries.
बिकॉज उनकी जो प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है और डिमांड उनकी डोमेस्टिक कंट्री में कम है, तो वह क्या करती है फॉरेन मार्केट्स में एंटर कर देती है ताकि वह वहाँ की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें। दीज कंपनीज इन सच केसेज आर फोर्स टू सेल देयर एक्सेस प्रोडक्शन इन फॉरन डेवलप्ड कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा ऑफ जापान, दिस इज एन एग्जाम्पल जिन्होंने अपनी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड है वह उसको सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वह ज़्यादा थी, तो उन्होंने दूसरी फॉरेन डेवलप्ड मार्केट्स में एंटर किया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नेक्स्ट इज सीवर कंपटीशन इन होम मार्केट। जब होम मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक डेवलप कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और जो फर्म वहाँ पर ऑपरेट करे दैट इज़ अ वीक कंपनी, और वह स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन जो डोमेस्टिक मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसको मीट नहीं कर पाती, तो वह क्या करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स नहीं है वहाँ पर वह अपने बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देती है, वहाँ पर एंटर करती है और वहाँ से नीड अराइज होती है इंटरनेशनल मैनेजमेंट की। लिमिटेड होम मार्केट, व्हेन द साइज ऑफ होम मार्केट इज लिमिटेड, जब होम मार्केट का साइज लिमिटेड है उसके लिए रीजन हो सकते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन का साइज कम है, क्यों ड्यू टू लोअर पावर ऑफ द पीपल और बोथ, या तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम है या फिर स्मॉलर साइज ऑफ पॉपुलेशन है, तो वह कंपनीज क्या करती हैं अपनी ऑपरेशंस को इंटरनेशनलाइज कर लेती हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द जैपनीज ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स they have entered the USA, Europe and even African markets due to the smaller size of the home market. वहाँ पर home market का size छोटा होने की वजह से उन्होंने developed countries, USA, Europe और African countries में enter कर लिया है. Because for in the same way, for example, mere 6 million of population of Switzerland, that is the reason for Keebug Easy to internationalize its operations. In the same way, ITC that entered the European market due to the lower purchasing power of the Indians with regard to high quality cigarettes. So these are the reasons for which the companies enter the international market, and because they have entered the international market, then they will have to manage their business operations at the international level, and that is the objective of international management. Next is political stability versus political instability. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मीनिंग यह नहीं है कि एक ही सेम पार्टी की जो पार्टी पावर में रहती है एक लंबे समय तक, बट इट डज मीन दैट द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ क्वाइट लॉन्गर पीरियड। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज एक लंबे समय तक सेम रहती हैं उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं होते, तो कंट्रीज कोई भी बिजनेस ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहती है दूसरी कंट्रीज में तो पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज में ज़्यादा प्रेफर करती हैं एंटर करना। सो इट इज़ व्यूड दैट यूएसए इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री एंड कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, दीज आर ऑल्सो द पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज, बट मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम ऑफ द एशियन कंट्रीज दीज आर पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्रीज बिकॉज देयर हियर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली। So the business firms prefer to enter the political stable countries. वह political stable countries में enter करना prefer करती हैं, और जहाँ पर operation जहाँ पर political instability ज़्यादा रहती है वहाँ पर अपनी operations को restrain कर लेती हैं, बहुत limited रखती हैं। In fact, political instable countries से companies shift कर लेती हैं political stable countries में, because वहाँ पर जहाँ पर laws policies same रहते हैं वहाँ पर उनको comply करना उनको बहुत easy रहता है, बार बार changes नहीं होते laws में, तो बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म किया जा सकता है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन सम कंट्रीज दैट एक्ट एज अ पुलिंग फोर्स फॉर द बिजनेस फर्म्स फ्रॉम द होम मार्केट। अगर दूसरी कंट्रीज में कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड अवेलेबल है, तो यह भी एक पुलिंग फैक्टर के रूप में काम करता है जिसके द्वारा बिजनेस फर्म्स अपनी होम कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में एंटर करना चाहेंगी। फॉर एग्जांपल द डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू दीज रीजंस अट्रैक्ट कंपनीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज में जो मैन पावर है वह चीप रेट्स पे अच्छी मैन पावर मिल जाती है, तो वह दूसरी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहेंगे। इन द इनफैक्ट अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज इन द रिसेंट ईयर दे हैव डिपेंडेंट ऑन द इंडियन कंपनीज फॉर व्हाट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स
and services through their business processing outsourcing. Because the cost of professionals in India is very low, that is 10 to 15 times less as compared to USA and European labor markets. यही reason है कि वहाँ की countries ने यहाँ के professionals को hire करना शुरू किए हैं. Next is high cost of transportation. Initially जो companies हैं foreign market में enter करती हैं तो वो क्या करती हैं, सिर्फ अपनी marketing operations को शुरू करती हैं, means सिर्फ goods की sale and purchase start करती हैं. उसके बाद जब कोई भी होम कंपनीज इन एनी कंट्री इंजॉय हायर प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू द फॉरेन फार्म्स. अब उन्होंने एंटर कर लिया वहाँ पे प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्ट्स की सेल एंड परचेज स्टार्ट कर दी, बट उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आती है. वे अपनी कंट्री से गुड्स लाकर दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो उनको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बियर करनी पड़ेगी, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है. और जो वहाँ की लोकल कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वह उनकी बजाय ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती हैं बिकॉज उनको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बियर नहीं करना पड़ता. सो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहती हैं और उसके लिए वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉरेन कंट्रीज में एस्टैब्लिश करती हैं थ्रू FDI, मीन्स वह अपनी सब्सिडरी यूनिट्स दूसरी कंट्रीज में एस्टैब्लिश कर लेती हैं. For example, Mobil, which was supplying petroleum products to Ethiopia, Kenya, Eritrea, and Sudan. Mobil, that is an American company, जिसने merger कर लिया था, merge हो गई थी वो Exxon के साथ 1999 में. So this is an American company, यह supply कर रही थी petroleum products, Ethiopia, Kenya, Eritrea और Sudan को. और इसकी रिफाइनरीज थी वो सऊदी अरेबिया में थे, तो उनको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आती थी, इसलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन कम था. तो उन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन अ डिसीजन टू एस्टैब्लिश देयर रिफाइनरी फैसिलिटीज इन एट्रिया. तो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गई और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो. नेक्स्ट इज नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल्स. The source of high qualitative raw material and bulk raw material is a major factor that attracts the companies from various foreign countries. अगर किसी कंट्री में रॉ मटेरियल बल्क में अवेलेबल है, क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या फिर उसके आसपास की कंट्रीज में रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वह भी एक पुलिंग फैक्टर के रूप में काम करता है जिसकी वजह से कंपनीज फॉरेन कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वेदांता रिसोर्सेज, दैट इज अ लंडन स्टॉक एक्सचेंज, मीन्स UK बेस्ड कंपनी, लंडन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपली इन इंडिया. व्हाई इट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कॉपर, जिंक एंड लीड. एंड इट हैज ऑल्सो सब्सटेंशियल ऑपरेशन इन जाम्बिया एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर कॉपर इज अवेलेबल. सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैनी कंपनीज शिफ्ट टू अनदर कंट्रीज. लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Most of the countries in the globe liberalized their economies and opened their companies to the rest of the globe. बहुत सारी countries हैं globe में जिन्होंने अपनी economies को liberalize कर दिया है, जितने भी norms हैं उनके rules and regulations हैं उनको liberalize कर दिया, जिसकी वजह से जो दूसरी firms हैं, दूसरी countries की business organization उनकी country में enter कर सकती हैं. So यह जो change हुआ है policies में, इसकी वजह से भी multinational companies attract हुई हैं कि वे अपने business operations दूसरी countries में expand करें. Next is to increase the market share. Some of the large-scale business firms would like to enhance their market share in the global market by expanding and intensifying their operations in various foreign countries. कुछ जो large scale business firms हैं, वे अपने market share को भी global market में increase करना चाहती हैं. इसकी वजह से भी international management का जन्म हुआ है कि हमें जब business operations को international market में increase करना है, तो हमें उनको manage भी करना पड़ेगा. So companies that expand internally tend to be oligopolistic. जो smaller companies हैं, वो international level पे अपने business operations को expand करती हैं अपने survival के लिए. Because हो सकता है कि home country में कंपटीशन ज़्यादा हाई हो या फिर उनको पॉपुलेशन कम हो, तो वे अपने सर्वाइवल के लिए अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में सेल करती हैं. लेकिन जो लार्ज कंपनीज है, वह क्यों इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए. फॉर एग्जांपल बाल कॉरपोरेशन, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट बेवरेज कैन मैन्युफैक्चरर इन USA, दैट बोर्ड द यूरोपियन पैकेजिंग ऑपरेशंस ऑफ कॉन्टिनेंटल कैन कंपनी.
Thus, it expanded its operations to Europe and met the Europe demand that was 200% more than that of USA. USA की कंपनी थी बेल मैन्युफैक्चरर, तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियन पैकेजिंग ऑपरेशंस को परचेज कर लिया. तो उन्होंने अपनी ऑपरेशंस को दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया, जो कि यूएसए की जो डिमांड थी, यूएसए की जो मार्केट थी उससे 200% ज़्यादा थी. तो उन्होंने अपने ग्लोबल मार्केट शेयर था उनका सॉफ्ट ड्रिंक कैंस का, उसको इंक्रीज किया. नेक्स्ट इज टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटास. It was quite common before globalization that the governments imposed tariffs or duty on imports to protect their domestic companies. Governments क्या करती थी, tariffs, high rates से tariff और import impose करती थी ताकि जो domestic companies हैं उनको protect किया जा सके और foreign markets उनकी country में enter ना कर सके. कई बार government जो इम्पोर्ट कोटास इसलिए भी इंक्रीज कर देते थे ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके, डोमेस्टिक मार्केट्स को ज़्यादा कंपटीशन फेस ना करना पड़े कंपीटेंट फॉरेन कंपनीज से. तो ये जो प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही प्रेवलेंट नहीं थी, बल्कि एडवांस्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ पर भी ये प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी. फॉर एग्जांपल जापानीज कंपनीज, दीज आर द टफ कंपटीटर्स टू द यूएस कंपनीज. तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने टैरिफ और कोटाज इम्पोज कर दिए फॉर इम्पोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जापान. इसी तरह से जापान ने भी हाई टैरिफ्स और इम्पोर्ट हाई टैरिफ्स इम्पोज किए, किस पर, इम्पोर्ट ऑफ राइस and other agricultural goods from USA. So to avoid high tariffs and quotas, companies prefer foreign direct investment. Because agar companies apni country se goods dusri country se import export karti hain, to wahan par high tariffs ki wajah se uske prices high ho jate hain. To usko avoid karne ke liye companies FDI karti hain, foreign direct investment karti hain global market mein enter karne ke liye, means ki apni subsidiary units wahan par open karti hain. For example companies like Sony, Honda, Toyota that preferred foreign direct investment in various countries by establishing subsidiaries or their joint ventures in various foreign countries including USA and India. So these are the objectives of international management that should be taken into consideration, and these are the main pulling factors that has given birth to the international management. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends, and please give your comments in the comment box about how did you like the video.